राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही टिकट वितरण को लेकर के दावेदार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और कई जगह उनके पुराने वीडियो और पुराने फोटो भी वायरल किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस के एक दावेदार का 10 साल पुराना एक वीडियो वायरल कर उसे बदनाम किया जा रहा है। इसको लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चंद्र सिंह राणा ने आलाकमान के निर्देश अनुसार प्रेस वार्ता कर इस वीडियो का खंडन किया। उन्होंने बताया कि हमारे विरोधियों द्वारा ऐसे वीडियो डालकर उसे बदनाम किया जा रहा है। ये वीडियो करीब 10 साल पुराना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा समझाने पर इस दावेदार ने उसी वक्त अपना नामांकन वापस ले लिया था और नगर पालिका, जिला परिषद, कॉलेज चुनाव, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव समेत सभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना? भाई, वीडियो वायरल जो हो रहा है बहुत पुराना है, 5-7 साल पुराना है। और इसमें क्या है कि उसके बाद हमारे नेताओं ने वीडियो वायरल के बारे में प्रचार भी करा बाद में, जिसके बारे में वीडियो वायरल हुआ, इन्हें कांग्रेस का प्रचार किया, इन्हें निर्दलीय फार्म नहीं भरा, निर्दलीय फार्म निकाला और उसके बाद जो है पार्टी के प्रत्याशी का काम किया है। उसके बाद हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने इनको लेटर भेजा है। ये लेटर है मुख्यमंत्री जी का कि भाई पार्टी में काम किया इन्हें। तो आप ये मानते हैं कि ये जो पार्टी में जो दूसरा जो विरोधी है उनकी साजिश है ये? भाई, ये पार्टी के किसी भी लोगों ने करी, अभी मेरे बराबर नॉलेज में नहीं, पर जिनने भी करी वो अच्छी बात नहीं है पार्टी के लिए। पार्टी का जो हमारे शीर्ष नेता जो है हाईकमान, वो उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। ये अभी इन्होंने जैसे ये दावेदार है विधानसभा से जी, तो इनकी छवि खराब करने का एक मकसद है कुछ? हाँ, किसी विशेष व्यक्ति ने कराए है तो ये गलत करा है। इनकी अगले व्यक्ति जो प्रत्याशी होते हैं सारे मिलजुल के प्रत्याशी रहते हैं। जब टिकट एक का फाइनल होता है उसके बाद वो जो है व्यक्ति सबके साथ लगता है। और अभी जो है आप अभी की देख लो, आज की देख लो, केंद्रीय मंत्रियों के तक कपड़े फाड़ दिए। आपका कहना है भाई ये वीडियो 5 साल पुराना? ये पुराना वीडियो है, कई सालों से इसका वर्तमान चुनाव सर इससे कोई संबंध नहीं, इससे कोई संबंध नहीं इसका। इसका वर्तमान टिकट मांगने से या प्रत्याशी होने से या नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। वो रिलेशनशिप सारे दूर हो गए थे उसके बाद, वीडियो के बाद ही। और हमारे नेताओं के कहने के अनुसार इनने जो है कार्य किया था, पार्टी का प्रचार किया, इनने लगे रहे उसके बाद कई नगर पालिकाओं में काम किए इनने, पंचायत राज में काम किए इनने। तो इसलिए उससे हमारी पार्टी ने इनको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की इनके उस टाइम, और उस बात को अभी रगड़े जा रहे हैं तो वो गलत है। इसमें जहां भी अगर हमें मालूम पड़ेगा तो हम अनुशासनात्मक हमारी पार्टी कार्रवाई करेगी। ये है ना मुद्दे।